अस्सलाम वालेकुम अजीज़ व्यूवर्स, अजीज़ तालिब इल्मों, आप लोगों की फरमाइश जो आप लोगों ने करी थी, एक इंडिया के नेतन, उन्होंने कहा कि वर्म व्हील डिज़ाइन के हवाले से आप बता दें। तो देखें, ये वर्म व्हील जो होते हैं हमारे पास कुछ दो टाइप के होते हैं। एक का जो ऊपर का रेडियस होता है वो फुल कॉर्नर से कॉर्नर तक जाता है, और एक का रेडियस कुछ ऐसे होता है, देखें, छोटा होता है, वो टाइप बी होता है। ठीक है, अभी जो मैं फार्मूला आपको कराने लगा वो ज़्यादातर ए का है, बी के भी वही फार्मूले हैं, लेकिन एक थोड़ी सी रद्दबदल बस होती है इसके अंदर, वो भी हमारा इसमें आएगा। देखिए, मॉड्यूल 3 है, 30-30 है, और पिच डाया ऑफ वर्म व्हील नहीं, वर्म 50 का वर्म का पिच डाया है, लेकिन हम फार्मूला क्या, हम व्हील डिज़ाइन कर रहे हैं। तो व्हील का जो पिच डाया होगा, पिच डाया ऑफ व्हील, ये बराबर होता है मॉड्यूल मल्टीप्लाई टीथ, मॉड्यूल क्या, 3 मल्टीप्लाई 90 mm, ये जो डाया है ये हो गया 90 mm। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करूंगा। नंबर 2, पिच डाया 90 mm, अब ये ओडी मालूम करना है। ओडी ये रेडियस के, रेडियस वाला जो टॉप होता है, ये इनर होता है, ये यहां से साइज लिया जाता है। तो आउटर डाया ये बराबर होता है, इक्वल होता है पिच डाया जमा 2 मॉड्यूल 2 mm। पिच डाया हमारे पास क्या आया था, 90 + 2 = 3, मॉड्यूल क्या हमारे पास 3 × 2, ये आ गया 90 + 6 = 96 mm। तो ये हमारे पास ओडी क्या आ गया, 96 mm। अच्छा जी, अब आ गया इसके बाद पिच, नंबर 3 पिच। पिच इक्वल होती है मॉड्यूल मल्टीप्लाई पाई, मॉड्यूल हमारे पास 3 है, पाई की वैल्यू 3.14, पिच आ गई हमारे पास 9.42 mm। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, 3 फार्मूले हो गए, ये गौर से देखिएगा इसको। नंबर 4, डेप्थ ऑफ टीथ 2.166 × 3 = 6.498 mm, अप्रोक्सीमेट 6.5 mm। ठीक है, नंबर 5, D1, ये जो डी है, ये D1, ये बड़ा अहम होता है, ये सबसे आउटर डाया होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, वो कितना होता है ये देखिएगा, आउटर डाया प्लस 0.4775। अच्छा, ये देखिएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये सब खत्म कर देंगे, ऐड कर दीजिएगा, कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। मल्टीप्लाई पिच, आउटर डाया हमारे पास कितना था, 96, ये वाला ओडी प्लस 0.4775 मल्टीप्लाई पिच कितनी थी हमारे पास, 9.42, ये हमारे पास आ गया 96 + 4.498
एट इक्वल 100.498 mm एप्रोक्सीमेट 100.5 mm। तो ये जो डाया होगा टोटल डाया ये 100.5 mm होगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अच्छा ये अभी हमने 0.4477 जो ऐड करा था ये याद रखिएगा, अगर आपका वर्म सिंगल स्टार्ट हो या डबल स्टार्ट हो तो आप इस फार्मूले से D1 मालूम करिए। स्टार्ट हो जो कि मेरे पास वर्म जो है वो सिंगल स्टार्ट है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ लेकिन इसको हल नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिंगल स्टार्ट पे कर रहा हूँ, तो हमारा D1 थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। ये देखिएगा D1 ये हमारे पास होगा आउटर डाया प्लस 0.8138। इसको आप खत्म करके इसको आप 4 कर सकते हैं मल्टीप्लाई पिच। ये मैं सिर्फ फार्मूला लिखूंगा, याद रखिएगा ये जब आपने लगाना है जब वर्म आपका 3 स्टार्ट हो या 4 स्टार्ट हो। इससे पीछे जो 0.4775 लिखा था वो सिंगल स्टार्ट और डबल स्टार्ट वर्म के लिए, ठीक है। ये मैं इसको सॉल्व यू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास वर्म सिंगल स्टार्ट गया। अच्छा जी नंबर 7, width of wheel की चौड़ाई अगर सिंगल स्टार्ट हो, इफ सिंगल स्टार्ट हो तो इसका जो फार्मूला है वो है 6 plus 2.38। ये एड खत्म करके इसको 4 आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई पिच। यह आंसर आ गया 6 plus 2.38 मल्टीप्लाई 9.42। आंसर आया 6 plus 22.419 6 28.4196 mm। इसको ख़त्म करके ये 0.2 आप कर सकते हैं। तो इसकी जो ये W आ गई ये आ गई हमारे पास 28.4196। ये हमारे पास आ गया 100.5 mm। देखें ये नंबर 7 हो गया, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नंबर 7 आपको करवा दिया है, याद रखिएगा वो भी सिंगल स्टार्ट और डबल स्टार्ट के लिए फार्मूला यूज होता है 2.38, उसमें ऐड करना पिच से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है। अब ये देखें अगर वर्म जो है ट्रिपल स्टार्ट या 4 स्टार्ट हो तब क्या होगा, तब इसकी जो चौड़ाई आएगी ए की वो क्या आएगी, ये 5 plus 2.15 पिच। अब मैं इसको हल यू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिंगल स्टार्ट वर्म है, ठीक है, लेकिन जब डबल स्टार्ट आ जाए तो व्हील की चौड़ाई इस फार्मूले से रखेगा, ये फार्मूला एम है, ये चीज देखिएगा। अच्छा जी अब आ गया 9 रेडियस। ये इस सूरत में है कि अगर ये जो रेडियस है यहां से ये जो रेडियस है ये कितना होना चाहिए, इनकेस यहां पर भी यही फार्मूला यूज होगा, ये इसका सेकेंड लास्ट फार्मूला है 0.5 मल्टीप्लाई पिच डाया ऑफ वर्म माइनस मॉड्यूल। 0.5 पिच डाया ऑफ वर्म कितना है 50 माइनस 3 मॉड्यूल कितना है 3। यह आंसर आ गया हमारे पास, इसको जब हम अमल करते हैं 22 mm, ये रेडियस आ गया 22 का, ठीक है ये रेडियस 22 का आ गया, ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका आखिरी फार्मूला है वो देख लें, इनके कॉर्नर के ऊपर एक रेडियस होता है,
ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे भी एक हल्का सा रेडियस होता है, वो रेडियस क्या होगा, नंबर 10 स्मॉल आर 0.25 मल्टीप्लाई पिच, पिच हमारे पास थी 0.25 मल्टीप्लाई 9.42 इक्वल 2.335 mm, यानी 2.4 का ये क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा स्मॉल आर, ये आ गया आपका 22 का रेडियस और स्मॉल आर आ गया इसका यहाँ पे, ये स्मॉल आर आ गया, ये आ गया आपका अलग रे, ये आ गया 2.335 mm, mm नहीं आता रेडियस, mm ही होगा सुना सही है, ठीक है। देखें जो चीज आपको कंफ्यूज करनी करती थी वो ज्यादातर वो D1 कंफ्यूज करता था, OD आपको कंफ्यूज करता था कि OD हम क्या लें, और पिच डाया कंफ्यूज करता था, या मैंने आपको ये 10 फार्मूले लिखवा दिए हैं तफसीलन, तो इसको देखें और अच्छे से इसको याद करें, और जो भी आपके कमेंट्स में जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही शाहिद निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।